13 फरवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिले। इस दो जजों की नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट पूरी स्ट्रेंथ हासिल कर ली है। जिन दो जजों की नियुक्ति हुई उसमें से एक न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और दूसरे न्यायमूर्ति अरविंद कुमार हैं। राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृति स्ट्रेंथ पूरी हो गई है। वरिष्ठता के मामले में न्यायमूर्ति बिंदल देश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में दूसरे सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश हैं। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 80,000 मामलों का निपटारा किया। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं, शायद ही किसी जज ने इतने बड़े आंकड़े अपने नाम किए हों। ऐसे में राजेश बिंदल के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है राजेश बिंदल। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है और वह हाई कोर्ट में अक्टूबर 2021 से मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति बिंदल का मूल कैडर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। अब उनके कुछ चर्चित केस भी रहे हैं। राजेश बिंदल पश्चिम बंगाल के बेहद चर्चित नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस की सुनवाई करने वाले एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे। 2017 में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 2016 के खिलाफ केस की सुनवाई की। अक्टूबर 2019 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अवैध कोल माइनिंग और हरियाणा में जॉब रेगुलाइजेशन पॉलिसी आदि मामलों की भी सुनवाई उनके केसेस में शामिल है। 80,000 मामलों का निपटारा किया। जस्टिस बिंदल ने अपनी लॉ की डिग्री 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पूरी की और 1985 में वह एडवोकेट के तौर पर बार काउंसिल में एनरोल हुए। सितंबर 1985 में उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की थी। 22 मार्च 2006 को उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति बिंदल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 80,000 मामलों का निपटारा किया। 1992 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की में भी शामिल हुए। 2004 से 10 सालों तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चंडीगढ़ प्रशासन का कामकाज देखते रहे। पंजाब और हरियाणा में लगभग 80,000 मामलों के निस्तारण का भी अनुभव रखने वाले जस्टिस राजेश बिंदल 1992 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में शामिल हुए। उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मामले में भी पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों का देखने का अनुभव है और उन्होंने सतलुज यमुना जल से संबंधित विवाद के निपटारे में पंजाब राज्य के साथ आरआरडी ट्रिब्यूनल के समक्ष और सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा का पक्ष भी रखा। इसके अलावा हरियाणा उच्च न्यायालय में आयकर विभाग हरियाणा का भी मुकदमा देखते रहे। 2006 में बने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश बिंदल 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर जस्टिस नियुक्त किए गए। कार्यभार संभाला। 2016 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक के लिए मसौदा नियम तैयार करने के भी संगठन में शामिल हुए, उसके साथ अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक 2016 के नागरिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने सिफारिशों और मसौदा के साथ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, पेश की थी। जस्टिस राजेश बिंदल का कार्यकाल 2 साल का होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्वीकृति पदों की संख्या जस्टिस को मिलाकर अब 34 हो गया है, पूरी फुल स्ट्रेंथ हो गए। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 13 फरवरी को दो नए जज राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को शपथ दिलाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ तक।